हाय एवरीवन, सो आज मैं आपको बताऊंगा कि लारावेल में हम कैसे एक फॉर्म को वैलिडेट कर सकते हैं या फॉर्म के जो फील्ड होते हैं उनको हम कैसे वैलिडेट कर सकते हैं। जैसे हम फॉर्म को सबमिट करते हैं तो वो एरर मैसेज दिखाए फील्ड के सामने या नीचे कि नेम को डालना कंपलसरी है या ड्रॉप डाउन को सेलेक्ट करना कंपलसरी है, ठीक है, इमेज वाला कंपलसरी है, या मिनिमम कितने कैरेक्टर आप डाल सको या मैक्सिमम क्या डाल सको, तो वो सारी वैलिडेशन लगाना मैं आज आपको बताऊंगा। देखो, लारावेल में अपना एक वैलिडेशन सिस्टम होता है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ आज। एक सबसे पहले एक फंक्शन बनाना होगा, फंक्शन जो सबमिट होगा, जो मेरे सबमिट पे क्लिक बटन पे क्लिक करने पे जिस फंक्शन पे वो जाएगा, आई मीन जो हमारा राउट कॉल होगा उसमें एक फंक्शन होगा, तो वो फंक्शन में हम ये सारी वैलिडेशन हम लगाएंगे। एक तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक फैकेड इसमें इंपोर्ट करना है, यूज़ करना है, ये फैकेड है वैलिडेटर। फिर उसके बाद उस फंक्शन में हम रूल्स बनाएंगे, ऐसे इस टाइप के कुछ रूल्स बनाएंगे, ठीक है, वैलिडेटर ये ऑब्जेक्ट बना के इस टाइप से, ये वैलिडेट जो है मेक, इस टाइप से हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। पूरा सिंटैक्स का प्रॉपर यही सिंटैक्स होने वाला है। फिर यहाँ पर अगर फेल होता है तो वो एरर मैसेज दिखाएगा। अब इसमें क्या है, मैंने जैसे एक अभी बनाया है, मैं इसको नेम का बना देता हूँ, ये नेम का मैंने लगाया। रिक्वायर क्या है, एक इसका एट्रीब्यूट है, ठीक है, दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, हमने यहाँ पे एक मैसेज दे दिया, और यहाँ पे ये लगाया कि इस फील्ड पे क्या वैलिडेशन हमारा लगेगा, रिक्वायर्ड वाला वैलिडेशन लगेगा। तो एक बेसिक मैंने अभी फ़िलहाल करके दिखाया है, अभी इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। और टेस्ट करने से पहले ये जो मेरा पेज होने वाला है जिस पे मैंने वैलिडेशन लगाई है, यहाँ पे एक मेरे को वो भी तो देना पड़ेगा ना कि इस फील्ड पे मैंने वैलिडेशन लगाई है, तो यहाँ पे मेरे को एक मैसेज भी देना पड़ेगा, इसलिए इसका एक डिव वगैरह स्पैन वगैरह मेरे को लेना पड़ेगा प्रॉपर। अब जैसे ये मैसेज देना था मैंने, इस टाइप से मेरे को देना है, एरर ये वेरिएबल है, हैज़ नेम, नेम क्या है मेरा एरर का, जो मैंने नेम यहाँ पे रखा था, कहाँ पे रखा था, ये मेरा कंट्रोलर वाले इसमें, ठीक है, यहाँ पे नेम ही रखना है ये, तो वहाँ पे वो चेक कर रहा है कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। यहाँ पे मैंने डिव लिया, डिव मैंने स्टाइल कर लिया, आप कोई भी पर्टिकुलर ये कोड वगैरह कहीं पर भी लिख सकते हो, यहाँ पर क्लास को कॉल कर सकते हो आप, ठीक है, एरर ये यहाँ पर प्रिंट कर देगा इस टाइप से, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया इस टाइप से, क्योंकि एरर, वो एरर मैसेज कहाँ पे दिखाएगा, वो एरर मैसेज मेरे को यहाँ पे दिखाना है उसको, ठीक है, जैसे ही वो फेल होता है वो अपना एरर मैसेज यहाँ पे दिखाएगा। अब यहाँ पे एक मेरे को राउट बनाना है, राउट जब सबमिट का बटन क्लिक होगा तो किस राउट पे एक्शन पे क्या लगेगा, वो सारी चीज़ें मेरे को बनाना है अभी इसमें, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक पोस्ट इस टाइप से, मतलब कुछ भी डिफरेंट आप बना सकते हो एक्चुअली, ठीक है, यहाँ पे डॉट आएगा, ये मैंने उसका राउट का मेरे को नेम रखना था, वो मैंने रख दिया है इस टाइप से, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा ये पोस्ट, यहाँ पे कॉल किया मैंने पोस्ट, तो ये पोस्ट मेरे को कॉल करना है, और ये तो खैर यहाँ पे ना ये मेथड होता है, एक्चुअली मैंने गलत कर दिया, तो मेथड का नेम आएगा मेरा यहाँ पे, और यहाँ पे इस टाइप से ये कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे मेथड का नेम रखना है जिस मेथड पे वो जाएगा, कहाँ पे, ये वाले मेथड का नेम, ये वाले, ठीक है, तो इस टाइप से ये मेथड का नेम मैं यहाँ पे रख लूँगा इसका, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये मेरे को कॉल करना है, कहाँ पे कॉल करना है, उसके एक्शन पे, वो जो मेरा फॉर्म था ये वाला, यहाँ पे मेरे को राउट को कॉल करना है ना इसका, जब ही तो वो इस पे जाएगा, तो ये मैं मेथड यहाँ पे यूज़ कर लूँगा इस टाइप से, ये मेरा राउट मेथड है, और यहाँ पे मैंने उसका नाम, जो मेरे राउट का नाम था, वो मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया है। एक मेरे को ना यहाँ पे रिक्वेस्ट का इसमें यूज़ करना है, तो मैं ये वेरिएबल ले लेता हूँ रिक्वेस्ट का, अदरवाइज ये एरर मेरे को दिखाने वाला है।
तो ये मेरा फॉर्म है जो मेरे को यहाँ पे एरर दिखाना चाहिए। अगर मैं इसको सबमिट करता हूँ तो आप देख रहे हो दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। तो ये फील्ड अगर मैं इसमें डाल देता हूँ कुछ तो ये गायब हो जाना चाहिए। अब भी ये गायब नहीं हो रहा है तो इसको देखते हैं हम क्या इशू इसमें है। लेकिन अगर इसको ब्लैंक हम छोड़ते हैं तो ये दिखा रहा है। इशू ये था इसमें, मैंने यहाँ पे ना इसके ये नेम नहीं रखे लिए हुए थे। अब मैंने प्रॉपर जिस नेम से मैं काम कर रहा हूँ वो मैंने नेम इसमें रख दिए हैं। तो अब मैं इसको चला के देखता हूँ, अब ये प्रॉपरली चलना चाहिए। तो जैसे मैं इसको अगर रिफ्रेश करता हूँ और मैं इसको ब्लैंक छोड़ता हूँ तो आप देख रहे हो यहाँ पर ब्लैंक दिखा रहा है। अगर मैं इसमें कुछ डाल देता हूँ तो ये सबमिट हो जाना चाहिए। आप देख रहे हो सबमिट पे जा रहा है प्रॉपर्ली। तो ये वैलिडेशन मेरा काम कर रहा है। अब मैं आपको और वैलिडेशन वगैरह करना इसमें बताता हूँ कैसे वैलिडेट करना है। जैसे मेरे को ये मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे, अगर मैं चाहता हूँ कि कुछ इसमें मिनिमम की लिमिट लगा दूँ कि मिनिमम कितने कैरेक्टर यूज़र डाले या मैक्सिमम कितने कैरेक्टर डाले, उस टाइप से मैं आपको करना बताता हूँ उसमें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे ये जो एट्रीब्यूट हैं ये एट्रीब्यूट इस टाइप से यूज़ करने पड़ेंगे। आप ये सिंबल यूज़ करके मिनिमम यहाँ पे लिमिट दे सकते हो कि मिनिमम कितने कैरेक्टर उसको डालने हैं और मैक्सिमम कितने कैरेक्टर यूज़र डाल सकता है। वो डिफ़ाइन करने के बाद यहाँ पे मेरे को उस पर्टिकुलर उस एट्रीब्यूट के लिए जो मैसेज मेरे को वहाँ पे डिस्प्ले करना है वो मेरे को इस टाइप से उसको देना पड़ेगा। अदरवाइज़ कोई कॉमन मैसेज भी आप दे सकते हो, लेकिन हर एट्रीब्यूट के लिए अलग अलग मैसेज होना चाहिए जब भी हमें उसका पर्पस हमारा फुलफिल जब भी होगा, इसलिए हम इसको ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो अब इसको चला के मैं देखता हूँ कैसे ये चलता है। मैंने डाले इसमें 2-4 कैरेक्टर डाल दिए, सबमिट किया तो ये दिखा रहा है नेम मस्ट बी मिनिमम 8 कैरेक्टर्स। ठीक है, अगर मैं डाल देता हूँ इसमें ज़्यादा, मिनिमम क्या बता रहा है, मिनिमम 8 बता रहा है, अगर मैं ज़्यादा डाल देता हूँ तो ये मैक्सिमम 8, मिनिमम और मैक्सिमम सेम क्यों ले रहा है इसका देखते हैं। अच्छा, मैंने सेम लिया है, यहाँ पे मैसेज मैंने दिखाया है, तो मिनिमम का मैं 5 कर देता हूँ, इसलिए ये दिखा रहा था वहाँ पे। तो अगर जैसे मैंने 3 कैरेक्टर इसमें डाले उसके बाद सबमिट किया तो ये दिखा रहा है। ठीक है, और अगर मैं 3 से ज़्यादा डाल देता हूँ यहाँ पे, इतने डाल देता हूँ तो ये यहाँ पे दिखाएगा 8 कैरेक्टर। अगर मैं डाल देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैंने डाल दिए, ठीक है, तो 6 मैंने डाल दिए तो ये एक्सेप्ट कर रहा है इसको। तो ये सारी चीज़ें गाइस ठीक चल रही हैं। अब मेरे को वैलिडेट करनी है ये ड्रॉप डाउन कि यूज़र को एटलीस्ट एक आइटम इसमें से सेलेक्ट करे एक ऑप्शन, तभी ये फॉर्म सबमिट हो। तो उसके लिए क्या मेरे को यहाँ पे कोड करना पड़ेगा। कोड कैसे करना है तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को इस टाइप से करना पड़ेगा। रिक्वायर्ड मेरे को लगाना ही है, एक एट्रीब्यूट होता है इसमें नोट इन, वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे मेरे को उसका जो पहले वाला जो स्टेटमेंट है ना, जो पहले वाला ऑप्शन है, जैसे ये सेलेक्ट सब कैटेगरी, ये मेरे को वहाँ पे डिफाइन करना है सो दैट ये मेरा एरर मैसेज वहाँ पे दिखा सके। उसके बाद यहाँ पे इसके मैसेज वगैरह मेरे को डिफाइन करने हैं कि क्या क्या मैसेज दिखा सके वो। जैसे यहाँ पे ये जो उसका नेम है वो डिफाइन करना है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं डाल दूँगा दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड या सेलेक्ट एनी ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन ऑप्शन, ठीक है, इस टाइप का मैं डिफाइन कर दूंगा। उसके बाद क्या करना है मेरे को, यहाँ पे एक इस टाइप का मैसेज भी डिफाइन करना है सो दैट वो मैसेज दिखा सके। तो यहाँ पे मैं जो मेरा नेम था वहाँ पे मैंने डिफाइन किया है वो मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा, राइट। तो अब देखते हैं इसको चला के, ठीक है। तो जैसे मैंने सबमिट नहीं किया है अभी, तो इसको सबमिट करने पे ये एरर मैसेज यहाँ पे दिखाना चाहिए। तो जैसे आप देख रहे हो एरर मैसेज प्रॉपर्ली दिखा रहा है यहाँ पे, मैंने सेलेक्ट नहीं किया है,
ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको और सबमिट करता हूँ तो ये एक्सेप्ट कर रहा है इसको, लेकिन अगर मैं वैसे कर रहा हूँ तो ये एक्सेप्ट यहाँ पे एरर मैसेज दिखा रहा है, लेकिन एरर मैसेज ये कस्टम नहीं दिखा रहा है, ये अपनी तरफ से ही दिखा रहा है। कस्टम के लिए मैंने देखते हैं, अभी चलना तो चाहिए। मैं रिक्वायर्ड हटा के यहाँ पे नोट इन लगा देता हूँ सो दैट वो कस्टम कुछ दिखाए। अभी मैं चेक करके देखता हूँ, सबमिट करते हैं तो अब ये ठीक चल रहा है, ये मेरा कस्टम मैसेज है जो मैंने वहाँ पे डिफाइन किया है, राइट। तो ये गाइस, ये ड्रॉप डाउन वाला कर बता दिया मैंने आपको, ये वाला बता दिया है। अब मैं आपको इमेज का वैलिडेशन बताता हूँ, इमेज फील्ड जैसे फाइल वाला जो फील्ड होता है कि उसमें हम वैलिडेशन लगा सके। ब्लैंक वाला वैलिडेशन तो हम लगाएंगे, रिक्वायर्ड वाला, लेकिन इसमें वैलिडेशन ये भी लगाएंगे कि JPG डाले या PDF डाले या वर्ड डाले या zip फाइल डाले, इस टाइप का वैलिडेशन हम लगाएंगे कि क्या क्या फाइल फॉर्मेट वो अलाउ करे हमें यहाँ पे, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ मेरी इमेज फील्ड का नेम क्या है। यहाँ पे नेम है सर्विस इमेज, ठीक है। तो पहले तो ये मैं मैसेज नीचे लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, सो दैट हमारा मैसेज दिख सके। और ये यही नेम मेरे को वहाँ पे लेना है, तो ये नेम भी मैं लगे हाथ यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा मैसेज दिखाएगा। अब मेरे को जाना है मेरे कंट्रोलर में, ये मेरा कंट्रोलर है, तो यहाँ पे मेरे को डिफाइन करना है, क्या डिफाइन करना है, इस टाइप से जो हम और फील्ड के लिए डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अलग होने वाला है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे नहीं आएगी, जैसे मैं अलाउ करता हूँ PDF, ओनली PDF यहाँ पे आएगा, या मैं अलाउ कर देता हूँ JPG, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं PDF फाइल ही इसमें अलाउ करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं मैसेज देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये मेरे को यहाँ पे नेम देना पड़ेगा। इसमें दो मैसेज हम डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि एक तो एट्रीब्यूट मेरा रिक्वायर्ड है, एक मेरा PDF एट्रीब्यूट है, तो दोनों के लिए हम डिफरेंट मैसेज हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से मैं दे देता हूँ इसका ये यहाँ पे PDF। PDF ये ऐसे डिफाइन हो जाएगा, यहाँ पे मैसेज देता हूँ PDF इज रिक्वायर्ड, ठीक है। और यहाँ पे ये मैं रिक्वायर्ड वाला जो मैसेज है मेरा वो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। यहाँ पे आप कितने भी पैरामीटर आप दे सकते हो, जैसे वर्ड का जो एक्सटेंशन होता है वो दे सकते हो, PNG, JPG, GIF, ठीक है, कितने भी एक्सटेंशन जो आपको अलाउ करने हैं वो दे सकते हो आप यहाँ पे ना। इसको हम एक तरीके से और भी कर सकते हैं, ये जो मेरा फाइल का कंट्रोल है इसको हम पर्टिकुलर फाइल के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं, मतलब एज ए फाइल हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, कैसे, इस टाइप से। जैसे ये क्या है, मैंने फाइल इसका एक टाइप बना दिया और इसमें जो मेरे फाइल टाइप हैं वो इस टाइप से मैंने इसमें अलाउ कर दिए, यहाँ पे ये मैंने अलाउ कर दिया, तो इसमें यही टाइप अलाउ होगा, इसके अलावा और अलाउ नहीं होगा। जैसे मैं इसमें से ये इमेज वाले जो एक्सटेंशन है वो हटा देता हूँ, तो यहाँ पे ये PDF ये डॉक्यूमेंट ही अलाउ करेगा। अगर मैं zip भी हटा देता हूँ तो ये क्या करेगा, ओनली PDF, और ये मेरा जो डॉक्यूमेंट के एक्सटेंशन, मतलब MS Word के जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो होते हैं ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो एक्सटेंशन होते हैं वही एक्सेप्ट करेगा, इसके अलावा ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे भी मैं इसका एक मैसेज डिफाइन कर देता हूँ, तो मैसेज मैं इस टाइप से डिफाइन करूँगा इसका। यहाँ पे क्या करूँगा मैं, वो जो मेरा नेम है फील्ड का वो रख दूँगा माइम्स, ये मेरा जो एट्रीब्यूट है वो, और यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूँगा इस टाइप से, ठीक है। तो ये जो क्या था, मेरे को इमेज टाइप तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली ये जो है टाइप एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस टाइप से ये वर्क करेगा।
तो जैसे अगर मैं इसको सबमिट करता हूँ तो ये इसमें एरर मैसेज नहीं दिखा रहा है, लेकिन वैलिडेशन का ये एरर मैसेज दिखा है क्योंकि रिक्वायर्ड वैलिडेशन मैंने वहाँ पे नहीं लगाया है। तो अगर इसमें मैं कोई एक्सटेंशन सेलेक्ट करता हूँ तो ये एरर मैसेज यहाँ पे वैलिडेशन का दिखाएगा। तो मैंने जैसे PNG फाइल सेलेक्ट की है, यहाँ पे PNG फाइल मैंने अपलोड करने की कोशिश की है, अगर मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे एरर मैसेज जो मैंने वहाँ पे डिफाइन किया था वो एरर मैसेज यहाँ पे दिखा रहा है। अगर मैं कोई PDF या PPT या डॉक्स वगैरह सेलेक्ट करता हूँ तो ये एरर मैसेज नहीं दिखाएगा। जैसे मैंने वर्ड फाइल सेलेक्ट की है, अगर मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ उसको तो ये इजीली एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन अब मैंने रिक्वायर्ड वाली इसमें वैलिडेशन नहीं लगाई, तो मैं रिक्वायर्ड वाली वैलिडेशन भी ठीक है, तो रिक्वायर्ड वाली वैलिडेशन के लिए मेरे को जाना पड़ेगा मेरे कंट्रोलर में, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ रिक्वायर्ड। जैसे ये ऊपर हमने लगाया था या पहले जैसे लगाया था, इस टाइप से मैं यहाँ पे भी लगा देता हूँ। और यहाँ पे मेरे को एक कस्टम मैसेज डिफाइन करना पड़ेगा विद रिक्वायर्ड वाले जो एट्रीब्यूट हैं उनके साथ में, ठीक है। यहाँ पे जो ये है ये इस टाइप से यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक मैसेज दे देता हूँ REQUI रिक्वायर्ड FIELD, ठीक है, रिक्वायर्ड फील्ड। तो अगर इसको मैं चला के देखता हूँ तो ये चलना चाहिए प्रॉपरली। तो सबमिट पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देख रहे हो आप रिक्वायर्ड फील्ड ये दिखा रहे हैं। तो ठीक है गाइज, मैंने आपको तीन तरीके की वैलिडेशन बता दी है, फाइल वैलिडेशन, ड्रॉप डाउन वैलिडेशन, ये फील्ड वाली नेम वाली वैलिडेशन, टेक्स्ट बॉक्स वाली वैलिडेशन। कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछना। वीडियो अगर लाइक है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और इस चैनल पे और भी वैलिडेशन वाली वीडियोज़ आने वाली है, लारावेल वाली भी आने वाली है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।